7.9 बिलियन, 7.9 अरब, ये है आज की डेट में दुनिया में रहने वाले लोगों की संख्या। और इसी 7.9 बिलियन में से एक इंसान आप हो जो इस वीडियो को देख रहे हो। और पूरी दुनिया में शायद ही कोई एक इंसान भी होगा, शायद ही कोई एक इंसान जो आपके जैसा दिखता होगा, आपकी तरह सोचता होगा, और अगर होगा भी तो उसकी एजुकेशन, उसकी बोली, उसका माइंडसेट सब कुछ अलग होगा। हर तरह से कोई भी एक इंसान भी आपकी तरह नहीं मिलेगा, यानी आप लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि अरबों में एक हो। इनफैक्ट आप पूरी दुनिया में एक हो। हम में से कई लोग, बल्कि ये कहें कि सारे लोग कहें तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, सारे लोग एक दूसरे से किसी ना किसी चीज़ में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। कभी पैसों में करते हैं, कभी लुक वाइज करते हैं कि वो ज़्यादा सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ, उसके पास में ऐसा है, उसके पास में वैसा है, मेरे पास में ये क्यों नहीं है, मेरे पास में वो क्यों नहीं है, वो ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों, भगवान ने उसे ऐसा क्यों बनाया, मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया। कई सारी चीज़ें होती है जिसमें हम कंपेयर करते हैं, छोटी से छोटी चीज़ में और बड़ी से बड़ी चीज़ में हम कहीं ना कहीं कंपेरिजन करते हैं। देखो, सामने चाहे कोई भी इंसान हो, हम उससे और वो हमसे किसी न किसी चीज़ में आगे होता ही है। अगर उसके पास पैसा हो तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा दिखता भी हो। अगर वो बहुत अच्छा दिखता है तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उसके पास में बुद्धि भी हो। और अगर बुद्धि है तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा दिखता भी हो। तो कहीं ना कहीं हर इंसान किसी फील्ड में थोड़ा अच्छा होगा और किसी फील्ड में थोड़ा वीक होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हर इंसान में है। तो इसलिए हर इंसान अपने आप में एक यूनिक है। बिना गहराई से जाने अगर हम किसी भी इंसान से कंपैरिजन करते हैं तो वो रियल कंपैरिजन नहीं होता है। अगर हम सामने वाले को डीपली जान गए ना, डीपली, तो पूरी श्योरिटी है कि आप कंपैरिजन नहीं करोगे, क्योंकि आपको ना असलियत पता चलेगी। फिर पता चलेगा आपको कि जिससे मैं खुद को कंपेयर कर रहा था, जिससे मैं खुद को नीचा दिखा रहा था, वो इंसान तो मुझसे भी गिरा हुआ है। हम बिना डीपली जाने लोगों से कंपेयर करते हैं, वो रियल कंपैरिजन नहीं होता है। भगवान ने सिर्फ आपको ही आपके जैसा बनाया है। अब अगर भगवान भी चाहे ना, तो आपके जैसा इंसान दूसरा इस दुनिया में नहीं बना सकता। तो ऐसे में आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भले वो छोटा काम हो, भले वो छोटा सा इन्वेंशन हो, छोटी सी चीज हो, लेकिन कर सकते हो। और वो आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप जो हो अपना रियल वर्जन वैसे बने रहो। दूसरों की तरह बनकर आप कभी कुछ नया नहीं कर पाओगे, वही करोगे जो दूसरे कर रहे हैं। आप एक फॉलोअर बनोगे, लीडर नहीं बन पाओगे। ऐसे जो अंदर से आता है वो करो। दुनिया में किसी भी इंसान को माइंड में मत रखो, कोई एक भी इंसान आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। अपना जो एंड है कि ये करके मैं इस लेवल पर जाऊंगा, उस लेवल पर खुद को रखो और उसी सिचुएशन में खुद को इमेजिन करो। बाकी सभी लोगों को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के बारे में सोचो, वो हो आप खुद। कई लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप सबको भुला करके अपने अंदर की आवाज़ को सुन करके सिर्फ खुद को फॉलो करोगे ना, सिर्फ खुद को, और जो दिल से आ रहा है, जो अंदर से निकल रहा है, सब कर दोगे बिना किसी की परवाह किए, फिर आपके साथ में वो होगा जो करोड़ों लोगों के साथ नहीं होता। आप उस मुकाम पर जाओगे जहां लोग सोच भी नहीं सकते, लोग क्या आप खुद भी नहीं सोच सकते थे। देखो, प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि हमने कंपैरिजन कर करके खुद को इतना छोटा बना लिया है कि हम अपनी पावर को ही भूल चुके हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये भूल चुके हैं कि इस पूरी दुनिया में हम एक यूनिक पीस हैं। दुनिया में आपके जैसा कोई नहीं है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो इस पूरी दुनिया में किसी ने ना किया हो। क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा जब जमाने में मुझसे कोई नहीं है। आप खुद कुछ ऐसा करो कि दुनिया जो है वो आपके जैसा बनना चाहे। दुनिया में कोई भी एक इंसान जिसको आप सब कुछ मानते हो, वो आपका गुरु हो सकता है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, उसको भी फॉलो मत करो। उनसे जितना हो सके सीखो, जितना हो सके नॉलेज आप उनसे लो, जितना डीपली आप उनसे सीख सकते हो सीखो, ऑब्जर्व कर सकते हो करो, जितना उनको सुन सकते हो सुनो, सुनो सबकी, लेकिन करो दिल की, खुद को ही फॉलो करो। दुनिया में किसी को फॉलो मत करो, सिर्फ और सिर्फ खुद को फॉलो करो। और ये बात मुझसे कही थी खुद संदीप माहेश्वरी सर ने जब मैं उनसे मिला था। तो फाइनल पॉइंट पर हम आते हैं कि क्या मकसद था मेरे इस वीडियो बनाने का। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको इस वीडियो से, कि दुनिया में ना आप सबसे अलग हो, तो अपनी वैल्यू को जानो, अपनी ताकत को पहचानो। आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता, बस खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अपनी ताकत को कंपेयर करके कम मत करो। देखो, हर इंसान में अपनी कुछ कमियां होती है, वो आप में भी होती है, और जिससे आप कंपेयर करते हो उसमें भी होती है। इसलिए कंपेरिजन करके खुद को कम मत आंको। आप दूसरों में अच्छाइयां देखते हो और खुद में कमियां देखते हो, और जिसमें आप अच्छाइयां देख रहे हो वो खुद में कमियां देख रहा है और आप में अच्छाइयां देख रहा है, और ऐसे दुनिया कमजोर बन रही है। आप अलग हो, अलग रहो, खुद जो हो उस पर प्राउड फील करो, लोगों को भूल जाओ, किसी के बारे में मत सोचो, किसी के भी बारे में, कोई एक इंसान भी आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। सबको भुला करके अपने अंदर की आवाज सुनो और जो करना है वो पूरे दिल से करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।